और चलिए सीधा आपको हरियाणा के नूह लेकर चलते हैं, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले गासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन का मेवाती एक केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है तो हम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश राष्ट्र सलामत है तो हमको अपने आप सलामत हो जाएंगे, गारंटी है, ये गारंटी है। तो मित्रों, एक कसक जब भी मैं मेवात में आता था मेरे मन में रहती थी कि मेवात का इलाका जब मैं देखता हूं तो न मालूम पिछली सरकारों ने वर्षों तक यहां के लोगों को एक वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, मैं नहीं समझता कि जब से हरियाणा बना और 2014 से पहले किसी ने कोई सद्बुद्ध ली होगी। नहीं ली। हम सोचते थे इलाके में आते क्यों इतना पिछड़ापन है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा। मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा और इस काम को मैंने करके दिखाया है। मैंने ये करके दिखाया, यानी जब जब मैं याद आया, और आपकी जानकारी के लिए मैं चैलेंज देता हूं, 9 वर्षों में आज मेरा 11वां चक्र है मेवात का। कोई मुख्यमंत्री आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बार आया हो, मैं चैलेंज करता हूं कभी कोई नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चक्कर काट रहे होंगे, आकर के फिर से वोटों की भीख मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो, हम फिर से आएंगे। लेकिन बनने के बाद 5 साल कभी भी 5 या 6 बार नहीं आए होंगे, और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आज आ रहा हूं, और अभी तो समय बाकी है, इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। और जब भी आया हूं कुछ ना कुछ विकास की बात करके गया हूं। पिछले 9 साल में आज मैं हिसाब पूछ रहा था, लगभग 5000 करोड़ रुपए के काम इस मेवात जिले के अंदर मैंने कराए हैं, 5000 करोड़ रुपए के काम। अगर उसमें से 2 साल कोविड के मैं निकाल दूं, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था वो कहीं भी काम हम करवा नहीं पाए, आदमी से आदमी मिल नहीं सकता था, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता था, किसी प्रकार का कोई इजलास कर नहीं सकता था, काम भी बंद हो गए थे। अगर 7 साल में 50 करोड़ का पाए, मैं 5000 करोड़ कहूं तो हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का काम हमने कराया है। जैसा बताया अभी जाकिर हुसैन जी ने, हमारे से कोई आकर के ये कहे कि हमको ये जरूरत है, ये दे जाओ, ये ले जाओ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा क्या वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय दे करके आ गए, मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से। जहां जितनी जरूरत हमें देना चाहिए, हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल
मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहां के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। ऐसे ही जब बार एसोसिएशन के अंदर आज वहां उनके फाउंडेशन स्टोन का नीम का पत्थर रखने के लिए मैं पहुंचा, तो बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि हमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भाई बार एसोसिएशन के खर्चे होते हैं, कितनी सब डिवीजन है? कहने लगे 3 है, 1-3 सब डिवीजन, 1 जिला हेडक्वार्टर, 4 बार एसोसिएशन। आते आते मैंने उनको कह दिया कि आपकी हर सब डिवीजन के लिए 5 लाख रुपया और जिले की बार एसोसिएशन के लिए 21 लाख रुपया, ऐसा 36 लाख रुपया वहां में देके आया था। तो मित्रों जरूरत हमको महसूस होती है। यहां भी जब जरूरत हमने पूछी, डिप्टी कमिश्नर से पूछी और साथियों से पूछी, कुछ हमारे पास जब ये यात्रा चली थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी कुछ चीजें आ गई थी हमारे पास। हमने जाकर के हिसाब किताब देखा कि इस इलाके में क्या क्या जरूरत, कहां कहां जरूरत है, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, तालीम के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, और चाहे वो पानी की जरूरत हो, चाहे वो विकास के कामों के लिए जरूरत हो, चाहे वो बिजली की बात हो, कोई भी क्षेत्र जो जो जरूरतें महसूस हुई। तो मैंने आने से पहले ही विचार किया कि आज मैं जाकर के एक एक चीज बीच बीच में जब जब आती रहेगी उसका मैं खुलासा करता रहूंगा। लगभग 700 करोड़ रुपए की घोषणाएं आज भी करके जा रहा मित्रों, अभी 6 महीने बाकी हैं, 700 करोड़ रुपया लगेगा। डिटेल उसकी मैं बताऊंगा अभी। और उसमें भी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे बच्चों की, हमारी माताओं बहनों की, इनकी स्वास्थ्य की चिंता करना, ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, उनका जो शरीर है स्वस्थ बने और किस प्रकार से तंदुरुस्ती के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमारा महिला बाल विकास का जो मंत्रालय है, उन्होंने एक पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक घर घर जाकर के ऐसे जो बच्चे हैं जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर है, वजन कम है, उनके लिए कुछ अच्छी खुराक दी जाए, उस खुराक के लिए एक प्रोग्राम यहाँ शुरू किया जा रहा है। और मैं कहूंगा हमारे WCD के लोग हैं कि उसकी एक झलक दिखा दी जाए कि कौन सा प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस लॉन्चिंग में पहले पोर्टल, उसकी योजना ये बताई जाए, फिर कुछ हमारी बहनें हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी एक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पहले लॉन्च क्या करना है उसकी जानकारी, पोर्टल का लॉन्च बताइए ना, हमारा जो प्रोग्राम है प्रोग्राम की जानकारी बताओ पहले। हमारा जो प्रोग्राम है वो अति कुपोषित बच्चों के लिए, जो हम स्पिरुलिना ऑर्थोनट पीनट मिक्स जो देने वाले हैं, यानी जो हमारे अति कुपोषित बच्चों हैं उनको शारीरिक और मानसिक मजबूताई के लिए हम वहाँ पे बच्चों लोगों को जो एक स्त्रीलुना करके एक वनस्पति है जिसके अंदर पूरे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स एंड एसेंशियल्स सभी पोषण माह अंदर। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और किस तरह से विकास किया जा रहा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के तहत उसका जिक्र किया मुख्यमंत्री ने। हम किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करते, शहीद हसन खां मेवाती ने बलिदान दिया, 9 सालों में 5,000 करोड़ के काम नूह में हुए हैं, देश सलामत तो हम सलामत, शहीदों को याद किया जाता है। ये तमाम वो बातें हैं जो CM मनोहर लाल ने मंच के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही हैं। नूह में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राजा हसन खां मेवाती के शहीद दिवस के मौके पर, और यहां पर प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। और साथ ही साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह पूरे प्रदेश में एक समान श्रेणी के तहत विकास कार्य हो रहे हैं बिना किसी भेदभाव के।
आती है कि हमारे बच्चे उनको पढ़ाने वाले अध्यापक उनकी संख्या कम है, तो मैं आज अपने डिपार्टमेंट को कहा कि मुझे मंच के ऊपर आज ये लोगों को बताना है कि यहाँ जितने अध्यापकों की कमी है उन अध्यापकों को जो खास करके मेवात जिले के होने चाहिए उन्हीं का चयन करके और एचकेआर में उनको डिप्लॉयमेंट दो, ताकि दो दिन तीन दिन। तो मैं विभाग के लोगों को कहूंगा कि आज 1400 लोगों को और जो उनकी भर्ती है इसी समय बटन दबाओ और हो सकता है उनको जो यहाँ बच्चे होंगे या घरों में बैठे होंगे उनको संदेश जाएगा टेलीफोन के ऊपर कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आगे तीन दिन में चार दिन में आप ज्वाइन करेंगे, आप चालू करिए इस कार्यक्रम को। नौकरियां आज दी जा रही है मित्रों, आज 1504, 1 2 3 5, थोड़ा स्पीड करेंगे और उसके बाद सबको संदेश पहुंच जाएगा। 12 13, अब ये स्पीड जो चल रही है एक आधे घंटे में सब 1500 लोगों को संदेश पहुंचाएगा, मेरे भाषण देते देते पहुंच जाएगा, इसलिए शुरुआत कर दी है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, इस मेवात को विकास करने के नाते, मेवात को सम्मान देने के नाते, मेवातियों को सम्मान देने के नाते आज जो हमने कार्यक्रम किया है शहीद राजा मेवाती, राजा हसन खान मेवाती इनके नाम से, और हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं इस नाम को आगे बढ़ाए रखने के लिए कई योजनाएं और भी हमने दी है। उसमें एक पहला काम तो हमने किया कि हरियाणा इसी इलाके के कुछ लोग मिल करके और एक समिति बनाए और उस समिति का नाम होगा शहीद राजा हसन खां मेवाती स्मारक समिति, ताकि वो इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाते रहें। और मैंने यहाँ इलाके के लोगों को कहा कि मुझको आज 5 नाम आप दे दो, ताकि वो 5 नाम आगे और लोगों को भी जोड़ते जाएं। उन 5 नामों जो दिए गए हैं इस समिति के अंदर जो रहेंगे, इसमें हमारे चौधरी जाकिर हुसैन जी पूर्व विधायक हैं, ये अध्यक्ष ऑल इंडिया मेवाती पंचायत और अध्यक्ष मेवात एजुकेशन बोर्ड, इसके भी हमारे अध्यक्ष हैं, ये इनको लीड करेंगे। और इनके साथ श्री रशीद मेव महासचिव ऑल इंडिया मेव सभा, ये भी हैं यहां, हाँ इधर बैठे हैं, हाँ तो ये भी इसके सदस्य रहेंगे। इसी प्रकार से सरदार गुरुचरण सिंह जी मलिक जो समाज सेवी हैं नू में, बैठे हैं इधर, अभी सुबह मुझे मिल गए थे, उनसे बात हो गई थी, उनको भी हम रखेंगे। श्री जाकिर हुसैन प्रधान जिला बार एसोसिएशन, श्री संजय गर्ग समाज सेवी, ये हमारे नू के, तो ऐसे ये लोग आगे बढ़ करके। और इन हसन खां जी के जीवनी के ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए, उस रिसर्च के लिए हमने एक चेयर की घोषणा करना चाहता हूं कि उनके नाम की एक पीठ, हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज में एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उसके जीवनी को हम लोग आगे जो है वो बढ़ा करके और यहाँ का मान सम्मान ये कर सकें। तो मित्रों, मैं मेवात की बात कर रहा था, मेवाती हसन का एक नाम है, लेकिन मेवात के लोगों का जो योगदान है इस देश की आजादी हो, आजादी की पहली लड़ाई 1857 हो, 1857 में देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने यहाँ बलिदानियां दी हैं, वो कहानी पूरी शहीदी स्मारक अंबाला में बन रहा है, तो मेवात का भी उसमें उल्लेख किया गया है। और एक नई बात जो मुझे पता लगी आज ही कि देश की रक्षा सुरक्षा में यहाँ के जावाज सैनिक, यहाँ के अधिकारी हमारे जो डिफेंस में जाते थे उनमें से भी बलिदानियां जो हुई देश आजादी के बाद, पहली बलिदानी अगर हुई है तो वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको नौशेरा का शेर कहा गया है। नौशेरा का शेर मोहम्मद उस्मान, जो जम्मू कश्मीर नौशेरा के अंदर और लड़ाई लड़ते हुए देश के ऊपर शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और बड़ी बात, देश का पहला महावीर चक्र, बहुत बड़ा एक सम्मान होता है, ये हमारे उस शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मिला है। तो इस नाते से मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा था 1857 की, तो 1857 की लड़ाई, 1857 की लड़ाई जज्जर के नवाब, नवाब अब्दुल रहमान खान ने
उनकी शहादत हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी। सब लोग बैठ जाएं, अभी घोषणाएं और होनी हैं। मैंने तो पहले एक दो घोषणाओं से शुरू किया, अपनी बात करते करते आपको और भी, चाहे वो हमारे कॉलेज होंगे, चाहे हमारे स्टेडियम होंगे, चाहे हमारी सड़कें होंगी, डेवलपमेंट होगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं। 700 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट सुन के जाना आप लोग। इसी प्रकार फर्रुख नगर के जो शासक थे अहमद अब्दाली, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और उन्होंने भी शहादत अपनी दी थी। तो मैं मेवात के ऐसे शहीदों को सम्मान करता हूं, उनको अपना नतमस्तक करता हूं। एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर संत महात्मा एक सम्मान योजना हमने बनाई है तो उसमें आज के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, तो ये तो संत नहीं थे। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के प्रति वो संत थे, देश के प्रति संत थे, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हमारे ये जो मेवाती हसन खान, इनका नाम है, राष्ट्रभक्ति की वो जिंदा मिसाल है। मेरे मित्रों, ये इलाका ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का इलाका है और ये भाईचारा हमको आज से नहीं, सदियों से बना के रखा हुआ है। हमारा ये मेवात का हर बाशिंदा ये राजपूताना घरानों से संबंध रखते रहे हैं। हमारा मजहब अलग अलग हो सकता है, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा भाईचारा ये जरूर हम बना के रखते हैं, हमें बना के रखना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूं। दो लाइनें मेवाती हसन खां के समय की जो उन्होंने उस समय बोली, जब वो बाबर की सेना का साथ ना देकर के, और उन्होंने जब देशभक्ति की अपनी मिसाल को कायम किया राणा सांगा के साथ खड़े होकर, तो उन्होंने उस समय कहा था, बाबर को कहा था, जनता को कहा था, उन्होंने अपने शब्द क्या थे इस इलाके की जबान में बताता हूं। उन्होंने कहा था, इतकू दिल्ली आगरो उतकू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो लड़ो राणा सांगा की गैर। इस प्रकार की भावना ये मेवाती हसन खां बलिदान पर आज याद रखते हुए उनकी सीख को हम अपने जज्बे को अपने अंदर लेकर के आए। मित्रों, भाइयों, बहनों, हम लोगों ने मेवात में जो कुछ किया उसकी वानगी बहुत लंबी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक मन के अंदर जो टीस मेरी है कि हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे लेकिन उनकी कोई बात हमने सुननी नहीं है। हमने अपने जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग कुछ आते हैं उनकी बात न सुनकर के अपने देशभक्ति का भाव ये हम अपने अंदर भी रखें और अपने देश के, अपने बच्चों के, उनके मन में भी पैदा करें। हमारी जो तालीम है, हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में भी हसन खां मेवाती जैसे लोगों का चैप्टर अगर उनको पढ़ाने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा हो जाएगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं बड़ी संख्या में, मैंने देखा है कि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं है, और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता है हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून है उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी, और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना, पर एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो
मदरसे हों उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती इस बार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते कि बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मजे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी, और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस विषय में देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, वो देश की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत जरूरी है। भाई बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे, तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम के ट्यूबवेल को, सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार नू के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉली क्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी, और पशु पॉली क्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी उसका इलाज करेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं भाई बहनों। ऐसे हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम गुलालता खेड़ती जीता कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है, 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा सूर्य से बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। फिर गुड़गावा नहर, राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की एक बात आई है, वीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये उजिना ड्रेन पर पुल का निर्माण है, फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुनाना से जुरेरा है, फिर कालंजर का पुनर्वास है, फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है, गुड़गावा नहर का हेड रेगुलेटर इसका पुनर्निर्माण है, राजस्थान लिंक नहर का वीआर ब्रिज प्रस्तावना, गुड़गावा नहर का आरडी से इतना ये एक ब्रिज है, उजिना डायवर्जन ड्रेन इसका ब्रिज है, उजिना डायवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं, ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। मित्रों, इरिगेशन इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में बराबर बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूं। हमारे यहां सामाजिक ताना बाना ये ठीक बना रहे, इसके नाते से इस इलाके के जो
मंदिर हैं, उन मंदिरों की भी डिमांड आई कि उनका रख रखाव इसके लिए अलग से एक योजना बनाई जाए, वो एक योजना उनकी बनाकर के दी जाएगी। चार समाज हैं, वाल्मीकि समाज, मिरासी, प्रजापति, कुरैशी समाज, इनके लिए बारात घर, इसके लिए भी 1,40,00,000 रुपया यह मंजूर किया जाता है। अलवी समाज पिनंगवा पंचायत द्वारा जगह दी जाएगी और उसके लिए भी 50,00,000 रुपया वहां भवन निर्माण के लिए ये दिया जाता है। मित्रों, एजुकेशन के नाते जैसे मदरसों की बात तो मैंने कही है, इसके बाद जो ई लाइब्रेरी है, ये भी जहां जहां हमको भवन पहले से खाली होंगे वहां ई लाइब्रेरी बनाने के लिए और 20 जगह ई लाइब्रेरी जो है इनकी घोषणा में करता हूं, ताकि वहां पर बच्चों को शिक्षा, ये अच्छी शिक्षा मिल सके, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। ऐसे जो आज मैंने बताया, 9 जिले में जो अध्यापकों की कमी के लिए 1400 शिक्षक पहले से आपको ये दे दिए गए हैं, योजना के अंदर आपने बढ़ाया है। ऐसे ही जो विकास के काम है, विकास के कामों में नगीना की पंचायत, नगीना जिस गांव में हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां की पंचायत की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरे मन में आया कि जिस गांव में हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस गांव के लिए कुछ तो लेके जाया जाए, तो मैं घोषणा नहीं कर रहा, मैं 1 करोड़ रुपया आज सुबह चलने से पहले नगीना की पंचायत के लिए सैंक्शन करके और वहां से भिजवा दिए गए हैं, तो नगीना की पंचायत को 1 करोड़ रुपया आज मैं भिजवाने के बाद आपको जानकारी दे रहा हूं। इसी प्रकार से कम्युनिटी सेंटर, इंद्री, राठीवास, राजपूत, भाजलाका, ऊटो, जौरासी, मोहम्मदपुर, ये शायद तावड़ू ब्लॉक के हैं, तो यहां की सब ये डिमांड। और इसके बाद सड़कें हैं, उसमें तावड़ू ब्लॉक की हैं, नगीना तहसील की और इंद्री तहसील, फिरोजपुर झिरका रेस्ट हाउस है, नो में पुराना विश्राम गृह को तोड़कर नया विश्राम गृह, ऐसे ही तावड़ू में सर्किट हाउस, फिर रोड्स हैं, पुनहाना होटल रोड, बैसी से आदका सुडाना रोड, पलवल सोना रेवाड़ी रोड, शिल्खों से अतिताका से अतिताका तक का रोड, होटल नू पटौदा पटौदी रोड, तो ऐसे कुल मिलाकर अब राशि तो मैं गिनता हूं तो शायद 150 करोड़ से भी ऊपर बनती है। तो इन सब कामों की मैं घोषणा करता हूं कि इन सब कामों को और जो है करा दिया जाएगा। मित्रों, ये काम जो डेवलपमेंट के हैं, ऐसा नहीं कि हम आज घोषणा कर रहे हैं, मैं तो 5 साल में मैंने एक लिस्ट मांगी कि मैंने आखिर 5,000 करोड़ जो मैं बता रहा हूं तो उसके अंदर क्या क्या बड़े काम कराए हैं, उसकी मैं जानकारी मात्र दूंगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, यहां से साइड से सड़क जा रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके बनने से हमारे यहां उद्योग लगने की बहुत बड़ी संभावना बढ़ गई है। और जो किसान भाई यहां बैठे उनको पता है कि जो जमीन वहां लाखों में थी आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए एकड़ वहां जमीन बिकने लग गई है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये जो विकास के काम है, इन विकास के कामों को हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं कि इलाके का विकास कैसे हो सकता है। बड़े बड़े काम चाहे वो केंद्र सरकार करती है, चाहे हरियाणा सरकार करती है। आज एक जानकारी और दे रहा हूं, हमने नितिन गडकरी जी आए थे, हमने कहा गुड़गांव से एक द्वारका की एक्सप्रेस वे जो है वो आप बना दीजिए। बड़ा मजाक करते हैं, आपने तो ऐसा कहा था जैसे छोटी सी बात हो 150 करोड़ की। उन्होंने हां कर ली। बाद में जब डिपार्टमेंट से पूछा वो कहने लगे 7,000 करोड़ रुपया लगेगा। वो कहने लगे मैं तो हां कराया हूं, कुछ भी लगे देना है। 7,000 करोड़ रुपए की वो सड़क बनकर के तैयार हो गई है। और एक बात जो आपको मैं सूचना भी देना चाह रहा हूं, परसों सोमवार के दिन 11 तारीख को प्रधानमंत्री खुद उस सड़क का उद्घाटन करने वाले आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले आने वाले हैं। और उन्होंने स्पेशल मुझे कहा कि देखिए गुड़गांव के लोग तो आएंगे ही क्योंकि वहां सड़क है, आसपास के जिले के लोगों को भी बताना, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। और उसमें सबसे पहले गुड़गांव, क्योंकि पुराना गुड़गांव जिला ही है अपना, तो ने कहा कि 9 जिले से लोग जरूर आने चाहिए, फरीदाबाद से आए, झज्जर से आए, रेवाड़ी से आए, तो आपको भी प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण भेजा है।
अब इससे पहले जानकारी मिली कि नहीं मिली मालूम नहीं, लेकिन मैं अब जानकारी दे रहा हूं, बैठे बैठे आपके मन में किस किस के मन में है, हम बसें उपलब्ध कराएंगे जिनको लगता है कि परसों प्रधानमंत्री का जो निमंत्रण मिला है उसमें जा करके उनको सुन के आएंगे। ऐसे कौन कौन वायदा करते हैं जो परसों गुड़गांव आ जाएंगे? बोलो भारत माता की। बहुत अच्छा, आपने मुझे वादा किया है, मैं पूरा भरोसा करता हूं। और जो यहां हमारे प्रबंधक है उनको बता रहा हूं कि इन सब के लिए गांव गांव में जहां बसों की जरूरत है वहां परसों सुबह बसें भेज देना, ताकि टाइम पर, उनका टाइम थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, टाइम के ऊपर वहां पहुंच जाए और प्रधानमंत्री जी की भाषण को जरूर सुने। हमने केएमपी कुंडली मानेसर पलवल रोड जो बनाया है, इसका बहुत बड़ा लाभ नूह जिले को भी हुआ है, थोड़ा पोर्शन नूह जिले का भी उसमें है। मेवात फीडर कैनाल केएमपी के साथ मेवात फीडर कैनाल 633 करोड़ रुपया उसका हमने मंजूर कर दिया है, ताकि अब यमुना का पानी सीधा वो आपको मेवात में मिलेगा। तो पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता आपकी उसमें पूरी होगी। और केएमपी सड़क ही नहीं, तो उसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल, ये कॉरिडोर भी बना रहे हैं, एक रेलवे लाइन, ताकि मेवात के इलाके से ही सीधा चंडीगढ़ तक ये रेल लाइन जुड़ जाए, सीधा जुड़ जाए। और एक रेलवे वाला बहुत बड़ी मांग पहले से है, मैं जरूर उसका भी दोबारा से पत्र लिखूंगा हमारे रेलवे मंत्रालय को कि दिल्ली से गुड़गांव मेवात होते हुए अलवर वहां तक रेलवे लाइन नू होते हुए एक निकलनी चाहिए, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है हमें, तो इसकी भी मैं जरूर आपको करूंगा। हमने आकेड़ा में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने कोटला झील के लिए 114 करोड़ रुपया मुआवजा दिया, हमने जो ड्राइवर्स की बहुत बड़ी समस्या यहां थी कि एक समय कांग्रेस की सरकार में उन्होंने पढ़ाई जरूरी कर दी थी कि अब जो ड्राइवर होगा उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमने कहा यहां के 35-40 हजार ड्राइवर अब इतने पुराने हो गए हैं, सब अच्छे सीख गए हैं, गाड़ी को बहुत अच्छे प्रकार से चलाते हैं, अब इस उम्र में क्या पढ़ाई करेंगे। हमने आने के बाद वो पढ़ाई का जो विषय उसमें से खत्म कर दिया और ये 35-40 हजार लोगों की रोजी रोटी बचा के रखी है। बोलो रखिए कि नहीं रखी, बोलो रखी कि नहीं, आपको क्या पता ड्राइवरों की रोजी रोटी बचाई कि नहीं, बचाई है ना। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम, पुराने लाइसेंस वाले जो थे, छपेड़ा में ड्राइविंग स्कूल भी हमने खुलाया, ताकि आगे जो नए ड्राइवर बनेंगे वो पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने ड्राइविंग को सीख करके और उसके बाद वो लाइसेंस मिले और ड्राइव को आगे कर सके। मित्रों नौकरियों का काम, इस इलाके में नौकरियां नहीं लगती थी, लेकिन मैंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने का काम किया, किसी को अब पैसा नहीं देना पड़ता। इस काम के बारे में आपका क्या कहना है, इस काम का आभास है कि नहीं है? अगर आपको लगता है ठीक है तो जरा मेरी अच्छी बातों जरा बताया तो करो ठीक है कि नहीं है, और बताने का तरीका तो ताली बजाना है। अच्छा काम है तो मुझे भी अच्छा उत्साह आएगा कि आपको इस बात का पता है, अब किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, किसी का पल्लू नहीं पकड़ना पड़ता कि मुझे नौकरी मेरे बेटों को दिला दो, मैं तुम्हारे लिए बस्ता उठाऊंगा तुम्हारे लिए और कहीं ना कहीं रैलियों में भीड़ इकट्ठी करूंगा, अब ये नहीं करना पड़ता। अब तो लोग अपने आप मन की खुशी से रैलियों में आते हैं कि ये सरकार हमारा काम करती है इसलिए हम आ रहे हैं। मित्रों हमने नू पुराना फिरोजपुर झिरका के नए बस अड्डे ये हमने बनवाए हैं, हमने IMT रोजका मेव, इसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इसके अंदर बड़ी बैटरी की जो फैक्ट्री है वो लगी है, उजीड़ा में केनपैक की जो फैक्ट्री वो लगाई गई है। 2014 में बच्चियों के लिए पढ़ने जाते समय शिक्षा, उनको जो वाहन दिया गया है, बसें दी गई हैं, शिक्षा वाहिनी योजना, इससे हमारी बच्चियों को सुविधा हुई कि नहीं हुई, बच्चों को शिक्षा लेने में सुविधा हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमने 30 स्कूलों को अपग्रेड किया है, प्राइमरी से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं हमने किया है। पुनाना फिरोजपुर झिरका, इन दोनों के नए कॉलेज ये बहुत जल्दी इसी साल शुरू हो जाएंगे, उसका सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। मेवात में ही लड़कियों के लिए JBT संस्थान ये हमने खोले हैं, जिसमें 50% लड़कियां केवल नूह जिले की होंगी, ये हमने नूह का रिजर्वेशन भी उसमें किया है। फिरोजपुर झिरका नगीना के इलाके के लोग जानते हैं पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने रेन्यूअल योजना बनाई और उस रेन्यूअल योजना में 263 करोड़ रुपए ये लगा करके वहां की मंजूरी हुई है और वहां उस लाइन को बिछाने का काम भी हो गया, शायद काम शुरू भी हो गया है। ऐसे ही एक नई योजना नू के लिए 71 गांव की
306 करोड़ रुपए की इसकी योजना भी डीपीआर बन रही है। बहुत जल्दी डीपीआर बनते ही ये नूह के 71 गांव का काम भी ये शुरू हो जाएगा। भाई बहनों, मुझे एक अपील भी करनी है आपसे, और अपील क्या है, सारे हरियाणा में बिजली के 24 घंटे 5,900 गांवों को बिजली मिलती है 24 घंटे। हमने कहा नूह में भी जल्दी करिए, बिजली 24 घंटे पहुंचाए हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने तो काम सारे कर दिए, मीटर बाहर निकाले थे निकाल दिए, लाइनें बदलनी थी लाइनों में बदल दी, बहुत सारे जो हमारी लाइनें ढीली थी नई लाइनें ऊंचे उठाना सब काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। लेकिन बड़ा कष्ट है मुझे कि बिजली के बिल जिस प्रकार से भरने चाहिए इस इलाके में वो अभी नहीं भरते हैं, अभी भरते नहीं है। यहां के जितने भी 66 हमारे फीडर हैं, इसमें से कुछ फीडर तो ऐसे हैं जो 70% से भी ज्यादा जहां लाइन लॉस है। लाइन लॉस मतलब हम बिजली फूकते हैं, बिल नहीं भरते हैं। देखिए, जब सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो सरकार खूब आगे आएगी, लेकिन एक आध कदम हमको भी आगे बढ़ाना है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, सरकार 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मित्रों, 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार। ऐसे ही 41 फीडर ऐसे हैं जहां 50 से लेकर 70% लाइन लॉस है। मेरा तो निवेदन यह है कि आप समय पर हर महीने थोड़ा थोड़ा, हमने पिछले सारे माफ कर दिए हैं, केवल एक साल का बिल भरना है, चाहे 10 साल के बाकी हो तो भी 9 साल के माफ, सिर्फ एक साल का भरना है। मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो, मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो, बिजली का बिल भरने के लिए तैयार हो। मैं आपसे बिजली का बिल मांगता हूं, जो इसके ऊपर अमल करेगा वो जरा हाथ खड़ा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये अगर आप कर देंगे तो अगले ही महीने से जहां जहां जिस गांव में बिल पूरे आना शुरू होंगे, उस गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम मित्रों ये हम करना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से सड़कों का, जैसे मैंने पहले बताया है कि बहुत जो बनी है और नई भी जो सड़कें हैं वो सब हम बनाने वाले हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स के नाते, स्पोर्ट्स की बात भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि इलाके में स्पोर्ट जैसा एक हमने जो दिया है स्टेडियम दिया है घासेड़ा गांव में, ऐसे 7 स्टेडियम की लिस्ट मेरे पास और आई है जो पहले से चल रहे हैं, लेकिन उनमें कोच की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ऐसे जो 7 राजीव गांधी स्टेडियम है उसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपया मंजूर करता हूं, ताकि वहां के स्टेडियम ठीक कराया जाए और वहां बच्चों को खिलाने के लिए व्यवस्था की जाए। मित्रों, इसी प्रकार जो भी काम आप नया बताएंगे, अलमाफिया जिला अस्पताल, ये अलमाफिया जिला अस्पताल अभी 100 बेड का है, इसको अलमाफिया यानी मांडीखेड़ा, वही ना, मांडीखेड़ा का जो जिला अस्पताल है उसको 100 यानी बेड की बजाय 200 बेड बनाने की घोषणा करता हूं। मित्रों, अकेले इसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा, अकेले इसके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा आएगा। फिर यहां पर कुछ गांव के अंदर कस्बों में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, इनकी भी जरूरत महसूस की गई है। हमने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि वो एक बार इसका सर्वे कराएं, एग्जामिन कराएं, और एग्जामिन करा करके जहां जितनी आवश्यकता है उसको मंजूरी दे करके, और अगले 6 महीने में, क्योंकि ये साल अब हमारा इन कामों का ही दिन है, इन कामों के लिए, और वो आगे बढ़ाएंगे काम को, आपको पूरा लाभ होगा। विशेष तौर पर आज मैं स्वागत करता हूं ऐसे सब लोगों का भी जो इस नूह के इलाके के अलावा भी हरियाणा के अन्य इलाकों से, और जो मुझे जानकारी दी गई है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना, इन प्रदेशों से भी आज लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में। मैं उनका भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते से बाहर से आए लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका भी स्वागत करता हूं। और आज जो मेवात में इतने उत्साह से सब लोग इकट्ठे हुए, इसके अंदर मैं सबको बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि जैसे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होने की एक ताकीद करें, एक संकल्प लें, एक इरादा रखें, और उस इरादे से जो काम आज तक जितने हुए हैं
और डबल दुगनी गति से आगे काम करने का मैं संकल्प लेता हूं और हम सब लोग मिलकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूत करने के लिए आने वाले 2 महीने के बाद एक मौका है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े हैं, ये मेवात जिले के लोग भी दिखा दें कि मोदी हमारा नेता है। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। हरियाणा का आपका जो भाई है ये आपको विश्वास दिलाता है कि हम आपको भरोसा देते हैं, जो गारंटी उन्होंने दी है उसको पूरा करने का काम मेरा है। बहनों भाइयों, आज महाशिवरात्रि भी है, उस महाशिवरात्रि यानी कल चली गई है, उस महाशिवरात्रि का भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ऐसे ही आने वाले कल यानी 11 तारीख को जो मुझे बताया गया है कि 11 तारीख को चांद दिखेगा, हमारा रमजान का महीना शुरू होगा, इस रमजान के महीने की भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज इस अवसर पर इतनी सब बात करते हुए अभी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको सम्मान करना है, उनको सम्मान के लिए आप बुला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बैठिएगा अभी तो पुरस्कार।